जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता, हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है, किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो सवा दो दिन का रहता है और सूर्य एक महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो दो राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 30-12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, क्या हुआ था इतिहास में जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई, क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्ग आसन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं, और अभी तत्कालिक में देखते हैं। अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की दो राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था, तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध, कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में तब इतना प्रभाव है, अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे,
बात यहां डरने की नहीं, बात यहां समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनि देव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनि देव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी वो? आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता हैं। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनि देव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को। और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है, शनिदेव है। तुला राशि, तुला राशि के जातक के लग्न से पंचम भाव पर यह गोचर हो रहा है। पंचम भाव, तुला राशि तो स्वयं अपने आप में इसके स्वामी शुक्रदेव हो गए और शनि और शुक्र का आपस में मित्रता बहुत अच्छा है, तो तुला राशि के जो जातक हैं अपने से पंचम भाव पर देखेंगे शनि देवता को। शनि देवता पंचम में आकर आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके अब उन सभी तमाम बिगड़े कार्य को बनाने के लिए उपस्थित हो गया हूं। आप यदि धन निवेश करना चाहते हैं, आ गया है समय, पंचम भाव निवेश का होता है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आ गया समय, पंचम भाव को हम लोग लक्ष्मी भाव भी मानते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह साल बहुत उत्तम होने वाला है तुला राशि वालों, तो इसलिए यह स्थान अच्छा हो गया। अब देखते हैं शनि देवता पंचम भाव से बैठकर किन किन भावों पर आपकी ड्यूटी लगाते हैं। पंचम भाव पर बैठे हैं और सातवें भाव पर आपकी पहली दृष्टि शनि देवता की पड़ती है। सातवां भाव आपकी पत्नी, या आप स्त्री हैं तो आपके पति, यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके मित्र, आपके सहयोगी, इन सब पर आपको केयर करना है। यदि इन सब से आपने कोई युद्ध कर लिया, लड़ाई कर लिया, बहस कर लिया, तो शनि देवता रुष्ट हो गए। ड्यूटी है आपकी उन सब को अच्छे से रखना, और जब उन सब से आपके संबंध मधुर होंगे तो निश्चय तौर पर आपका वह परिणाम जो शनि देवता देंगे वो बहुत बहुत अच्छा होगा। शनि देवता की एक दृष्टि तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव पर पड़ती है। 11वां भाव कहेगा, 11वां भाव है आपके लाभ का। लाभ पर दृष्टि है, लाभ पर ध्यान रखिए, अपने बड़े भाइयों पर ध्यान रखिए। 10वें से दूसरा है, आप अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाइए। आप जिस भी फील्ड में हो, यदि आपको बहुत समय से आपको लग रहा है कि मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको धन लगाने का समय आ गया है। जब धन लगाएंगे तो वह आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा और आगे चल करके आपको उसमें बहुत सा पॉजिटिव और बहुत सा आपको ग्रोथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस हमारे कुंडली में लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। कोई इच्छाएं हैं यदि आपको, कर डालिए। शनि देवता ने आपकी ड्यूटी ही लगा रखी है। शनि देवता कह रहे हैं आप अपनी इच्छित कर्म को आप कर डालिए, आपकी ड्यूटी ही 11th हाउस में, कर लीजिए। शनि देवता इच्छा पूर्ति के लिए तो बैठे ही हैं। अगर नहीं करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति, देखिए वो इच्छा पूर्ति भी वाजिब होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी मन में इच्छा है वो इच्छा कर लिए, जो अनैतिक इच्छा है उसे हटा करके जो सात्विक इच्छा है, जो अच्छी इच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, ऐसी इच्छा को यदि आप पूर्ण करते हैं तो निश्चय ही शनि देवता की कृपा मिलती है। तो अब तुला राशि के जातकों को विशेष यही समझना है कि अपने पारिवारिक सदस्यों पर आपको ध्यान देना है, अपने कुटुंब पर आपको ध्यान देना है। आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप यदि कोई धन का निवेश करना चाहते हैं, या फिर आपका सेकेंड हाउस का हैगा, सेकेंड हाउस आपके बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस को मेंटेन रखिए, बार बार चेक कीजिए पैसे का कहां जाना है, क्या आना है। यहां पर यदि आप अपनी इस ड्यूटी को निभाते हैं तो शनि देवता पुनः प्रसन्न होंगे और आपका सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे, अन्यथा आपको पनिशमेंट मिलने वाली है।
शनि देवता के इस ट्रांजिट में तुला राशि के जातकों को विशेष तौर पर पुनः फिर से यही कहेंगे कि यह जा करके माँ लक्ष्मी जी का पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना से आपके कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएंगे और आपके मनोरथ जो है वो सिद्ध होंगे। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इन सबके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपके अनेक खुशियां प्राप्त हों और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।